What's up? So, चार दीवारी का नया गाना आ गया, गाने का नाम है ठहरा एंड डैम ब्रो, जो लास्ट गाना झाग आया था, इतना डिफरेंट गाना, मतलब मैंने इतने सालों बाद कोई हिंदी गाना इस टाइप का सुना है एंड मैन मुझे नहीं पता ये आदमी किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है एंड स्पेशली ऑडियो तो है ही है लेकिन जो वीडियो के साथ ये आदमी कर रहा है आई हैव नो आइडिया कि वो कैसे अपनी ये वीडियोज की लेगेसी कंटिन्यू कर पाएगा बिकॉज अभी तक चार के जितने भी वीडियो आए हैं डैम माइंड ब्लोइंग. सो बाकी सारी बातें बाद में, लेट्स ही ठहरा हुआ गया तो बड़ा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ. Oh yes, so 3, 2, 1, here we go. गाना शुरू हुआ नहीं है, ठीक है, अभी 8-9 सेकंड हुए हैं और भसड़ की पूरी प्रिपरेशन स्टार्टिंग में ही हो गई है कि आगे कुछ गंदा ही होने वाला है. जा पर लो मुझे पास तेरा तेरा अगर तुमने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुना है किसी भी प्रकार का, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनना पसंद है बाहर के, नॉट टॉकिंग अबाउट EDM ब्रो, EDM एक अलग चीज है, इलेक्ट्रॉनिक एक ओवरऑल बड़ा सा जॉनर है, उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट EDM. सो अगर तुम्हें उस टाइप के म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो अभी ये जो लूप बनाया ना चार दीवारी ने यहाँ पे, इतना बढ़िया है. बाय द वे जिनको नहीं पता उनको बता दो कि चार दीवारी अपने गाने खुद से प्रोड्यूस करता है, वो खुद से म्यूजिक बनाता है, खुद से लिरिक्स लिखता है, सारे काम वो खुद करता है. खाली मैं देख रहा था उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग किसी और ने करी, बाकी सब इसने करा. एक बार ये लूप सुनो. You know what? I am so fucking happy कि finally मुझे ये sound जो है इंडिया में सुनने को मिल रहा है. ऐसा प्रोडक्शन स्टाइल मुझे खाली बाहर में मिलता है. देखो सबसे पहले चार दीवारी को खाली एक रैपर मानना बंद कर दो, ठीक है, उसको एक सिंगर रैपर मानना बंद कर दो. ही इज एन आर्टिस्ट, ठीक है, वो पूरी आर्ट अपनी खुद से बनाता है. जो ये प्रोडक्शन स्टाइल है इतना ज्यादा बाहर टाइप का लग रहा है, इंटरनेशनल लग रहा है, ठीक है, बढ़िया सा. लाइक आई रिमेम्बर कि इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक व्हाट डू यू सी मैन, जब डबस्टेप पॉपुलर हो रहा था, जेड्स डेड और इस टाइप के आर्टिस्ट आते थे तो वो इस टाइप के सैंपल्स बना, आई मीन इस टाइप के पार्ट बनाते थे अपने गानों में. साउंड्स वेरी कूल. वीडियो में इतनी भसड़ हो रही है लेकिन ऑनेस्टली ऑडियो इतना फक एंगेजिंग जा रहा है कि मैं वीडियो पर ध्यान तो दे रहा हूं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं दे रहा हूं, ठीक है. आई कैन सी, मैंने देखा तो स्टैचू जिंदा हो गए, तो उसके बाद भसड़ी सब पेलने पालने शुरू हो गए. आई हैव नो आइडिया, लाइक एवरी चार दीवारी का भसड़ वीडियो, आई हैव नो आइडिया व्हाट द फक इज गोइंग ऑन एंड इट इज जस्ट वेरी एक्साइटिंग टू सी दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. एक वो वर्ल्ड है, एक ये वर्ल्ड है, जब वाली वर्ल्ड होती है उसमें ब्लू या ग्रीन लाइट बोल दो, है ना, टेल बोलते ना आई थिंक, है ना, वाली लाइट होती है ना, तो उसमें सब स्टैचू को जाते हैं. लेकिन जैसे वो ये वाली वर्ल्ड में आते हैं, पार्टी वाली वर्ल्ड में आते हैं, वो सारी जो 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 स्टैचूज थे आई थिंक वो जिंदा हो जाते हैं और भसड़ शुरू हो जाती है. Dude, चार दीवारी, आई एम जस्ट सो हैप्पी विद द प्रोडक्शन. भाई मैं बता नहीं सकता मुझे कितना ज्यादा मजा आ रहा है. जब मैंने चार दीवारी के साथ पॉडकास्ट करा था ना, तब उसने बोला था कि स्टार्टिंग में ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई स्क्रिलेक्स, ठीक है, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कि सिलेक्स वो साउंड कैसे बना रहा है. एंड आई कैन सी, आई कैन ऑलवेज फील इन चार का प्रोडक्शन की बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, बहुत सारा, लाइक वो ऑर्गेनिक सैंपल्स खाली मुझे ऐसा लगता है कि अपने परकशंस में लेता है, ड्रम्स के जो परकशन होते हैं, बाकी ही फिल्स ड्रम्स के ऑर्गेनिक काइंड ऑफ परकशन विद बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सैंपल्स, है ना, सिंथ के सैंपल बहुत सारे अपने वोकल्स को लेके भी वो चॉप करके कुछ कुछ इफेक्ट बनाता है गानों में, जो तुम्हें सुनाई दे रहा होगा. वेरी कूल मैन. से कदम नग में ढूंढा मैं दुनिया मेरी.
जाएगा नहीं जग में, बट के मुसाफिर को फिर पे बुला लिया, पाँव में बरस तेरा गिरता। इतना ऑफ टाइम चलता है ना ये आदमी की, आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते आपके कान की नेक्स्ट बजने क्या वाला है, नेक्स्ट होने क्या वाला है। ठहरा ठहरा गिरता पड़ता ठहरा ठहरा तुम जाओ पर लो मुझे जब ये वाला सीन आया था तो मुझे झाक वाला वीडियो याद आया। झाक का अगर तुम्हें वीडियो याद है तो वो अपने मुंह खोल के उसके अंदर से तलवार निकाल के बंदी के मुंह में डाल देता, तो आई थॉट कुछ ऐसी होने वाला है, बट यहाँ पे सडन वो डांस करने लगा। पर लो ये फाइनली ये साथ में पार्टी कर रहे हैं, है ना, जिसके लिए दुनिया इनको नहीं करने दे रही थी, अब ये पार्टी कर रहे हैं। Dude, Evolution of Char Diwari, bro. देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना मेरे को देख, like, oh man, there's something with this production style जो चार दीवारी करता है, और उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा यूनिक साउंड करता है। मैं इंडिया में किसी और आर्टिस्ट को कंपेयर ही नहीं करता हूँ, कर सकता हूँ भी चार दीवारी से, बिकॉज जो एलिमेंट्स ये डाल रहा है अपने गानों में कोई और ऐसा नहीं कर रहा है। He's being very creative, है ना, मुझे लगता है ये बाहर से बहुत सारी इंस्पिरेशन लेता है बाहर के आर्टिस्ट से, एंड लेकिन इसकी जो थॉट प्रोसेस है, इसका जो सॉन्ग का डिजाइन, जो स्ट्रक्चर, जो उसके अंदर जो सैम्पल्स एंड एवरीथिंग, जो साउंड है बेसिकली चार दीवारी का, वो कोई और रेप्लीकेट आई डोंट थिंक सो कर रहा है, और चार दीवारी आई डोंट थिंक किसी और की तरह कुछ कर रहा है, ये अपना ही साउंड अपनी ही डिस्कोग्राफी बना रहा है। एंड मार्क माई वर्ड्स, बहुत जल्दी फेस्टिवल्स में, म्यूजिक फेस्टिवल्स में सबसे ज्यादा भीड़ चार दीवारी के सेट के ऊपर होने वाली है फॉर श्योर। अभी तो चार दीवारी हैं, जनरली मुझे ऐसा लगता है भसड़ टाइप के गाने हैं, ये भसड़ नहीं था, इट्स अ वेरी नाइस अ सॉन्ग विद बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन, है ना। लेकिन जब चार दीवारी पार्टी गाने निकालने शुरू करेगा ना, मैंने पार्टी आई डोंट मीन हमारा DHH पार्टी गाने, आई एम टॉकिंग अबाउट की बहुत सारे डबस्टेप एलिमेंट, बहुत सारे डब एलिमेंट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट, बहुत सारे ट्रांस एलिमेंट्स, है ना, जब वो ये सब मिला के अपने गाने बनाना शुरू करेगा, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द फेस्टिवल का क्राउड, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वहां पे कितनी जनता होगी जो उसको लाइव देखने आएगी। एंड मुझे ऐसा लगता है जो मैं इसको करते हुए देख रहा हूं ना, ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल्स का आर्टिस्ट आउट देयर, मुझे ऐसा लगता है। अभी चार दीवारी फिर भी जो चीज कर रहा है ना, थोड़ा थोड़ा अंडरग्राउंड फील आता है उसका वीडियोस एंड एवरीथिंग में, दैट ही इज अ यस, इज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट, है ना, क्रिएटिंग समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, वैसा वाला फील आता है। लेकिन एक बार अगर उसने मासेस को ध्यान में रख के करना शुरू कर देना चीज है, अब ये मासेस के लिए आई डोंट थिंक ये करता है, अब ये मुझे लगता है कि अपनी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन एपेटाइट के लिए करता है कि मुझे किसमें मजा आ रहा है, मुझे क्या। एक बार अगर ये मासेस को ध्यान में रख के अपनी अपने ब्रांड को बिल्ड करना ऐसा शुरू कर दिया, अपना गाने बनाने शुरू कर दिया ना, and people are going to go crazy over him for sure, log pagal ho jayenge। I honestly love this one, maine char diwari ka abhi tak jitne gaane sune hain pata nahi kyun mujhe sabse zyada nahi bolunga, sabse zyada to wo the jab char diwari ko koi nahi jaan raha tha aur uske jo gaane bajte the wo gaane to alag the, lekin this one jo recently jitne gaane aaye hain, I think this is one of the best, hai na, top 2 top 3 में मैं इसी गाने को रखूंगा। जब मैं चार दीवारी की बात करूंगा, मुझे किसी को इंट्रोड्यूस कराना होगा, तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि भाई ये सुनो, ही इज एन प्रोड्यूसर, है ना, सिंगर, राइटर, लिरिसिस्ट, एवरीथिंग आउट देयर, यू मस्ट चेक हिम आउट। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक मैन, आई एम डैम इंप्रेस्ड विद दिस गाय मैन, ही इज सो यंग एंड इज सो फकिंग क्रिएटिव एंड इज सो फकिंग ब्रेव, है ना, कि वो इतने सारी वो स्टाइल टाइप ऑफ म्यूजिक बना रहा है जहाँ पे लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड को कैच करे, वहाँ पे चार दीवारी अपना एक यूनिक पर्सोना बना रहा है, गोइंग अगेंस्ट द वेव वाला सीन कर रहा है। मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, आई एम वेरी इंप्रेस। तुम लोग बताओ गाना कैसा लगा, है ना, डेफिनेटली गाना बड़े स्पीकर्स पे सुनने वाला है, छोटे स्पीकर हेडफोन्स इस गाने को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, यू नीड अ सब बेस टू लिसन टू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक फॉर श्योर। गाना कैसा लगा कमेंट से बताओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ID के नाम है @ ऐप दे दो @ of, you know, bye, peace।